नेताजी, आज आप मतदान करने पहुंचे हैं, किस तरीके से वोटरों में उत्साह है और क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने नेहरू गांधी की सरकार में कानून मंत्री के रूप में संविधान दिया जिससे हमें वोट देने का अधिकार मिला, तो उनको स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि आज़ाद भारत में मुझे वोट डालने का मौका मिला और मैंने अपना मतदान एक स्थिर, अस्थाई और जो सबको साथ लेकर चल सके, जो विकास और प्रगति की बात करे, बंटवारे की बात न करे, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, ऐसी सरकार बनाने के लिए अपना योगदान देने का मौका मिला। सर, क्या लगता है, पांच चरण के चुनाव समाप्त हो गए, छठवें चरण का आज मतदान हो रहा है, क्या सीन देखते हैं? देखिए, पांचवें चरण तक हम 270 के आसपास मंडरा रहे थे, 240 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन ये छठे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दौड़ से बाहर हो गई और जो हमारा इंडिया गठबंधन है ये निश्चित रूप से सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत से कहीं आगे निकल जाएगा। इस बार हमारे यहाँ 300 के ऊपर एक स्थिर और अस्थायी सरकार इंडिया के नेतृत्व में बनेगी। 4 का सूरज निकलेगा भारतीय जनता पार्टी के राज में और जब 4 का सूरज अस्त होगा तो उसी के साथ भाजपा साम्राज्य का भी अंत हो जाएगा और 5 तारीख को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा। सर, मोदी जी, अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद जो दोनों शहजादे हैं उत्तर प्रदेश के, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।